हरिओं नमो नारायण, हरिओं नमो नारायण। भक्तों, श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा अपने भक्तों को दिए आश्वासन के विषय में यह कह गए हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बार ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, धर ही दयानिधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब धरा पर पापों का बोझ पड़ेगा, तो मैं भिन्न भिन्न अवतार धरकर धरती पर आता रहूंगा और पाप ताप संतापों से सबका रक्षण करता रहूंगा। और श्री हरि ने अलग अलग युगों में अवतार धरकर अपने इस वादे को सहदेव निभाया है। भक्तों, तो आइए आज उन्हीं श्री हरि भगवान के 10 अवतारों की यह पावन गाथा आपको सुनाने जा रहा हूं। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की जय। विष्णु अवतारों की गाथा, विष्णु अवतारों की गाथा पावन बड़ी महान है। इन अवतारों का वर्णन तो करते वेद पुराण है, करते वेद पुराण है। विष्णु अवतारों की गाथा पावन बड़ी महान है, इन अवतारों का वर्णन तो करते वेद पुराण है, करते वेद पुराण है। विष्णु अवतारों की गाथा, आइए भक्तों भगवान श्री हरि विष्णु के पहले मत्स्य अवतार की कथा सुनाता हूँ। भक्तजनों, भगवान श्री हरि जग पालनहारी हैं, अतः ब्रह्मांड की रक्षा हेतु, वेदों को बचाने हेतु, दैत्य है ग्रीव का अंत करने हेतु भगवान श्री हरि ने अपना पहला मत्स्य अवतार धारण किया। साथ ही साथ वैवस्वत मनु, सप्तऋषिगण और सारे जीव जंतुओं को प्रथम प्रलय के प्रलाप से बचाने हेतु श्री हरि ने मत्स्य अवतार धारण किया। तो बोलिए मत्स्य अवतार की। भक्तजनों, श्री हरि ने अपना दूजा अवतार कूर्म अर्थात कछुए का धारण किया। सागर मंथन के समय दैत्य और दानव मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नेति बनाकर मंथन को तैयार थे, तब श्री हरि ने कूर्म रूप धरकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और सागर मंथन संपूर्ण करवाया। तो बोलिए कूर्म अवतार की। पृथ्वी को प्रलय से बचाने मत्स्य अवतार को धार लिया, ऋषि मनु और सप्त ऋषि गण वेदों का उद्धार किया। दूजा रूप फिर कूर्म का धारा पीठ पे गिरी उठाया था, सागर मंथन के कारज को फिर संपूर्ण कराया था। दोनों अवतारों के चरणों, हाँ दोनों अवतारों के चरणों करते हम प्रणाम है। इन अवतारों का वर्णन तो करते वेद पुराण है, करते वेद पुराण है। विष्णु अवतारों की गाथा पावन बड़ी महान है, इन अवतारों का वर्णन तो करते वेद पुराण है, करते वेद पुराण है। विष्णु अवतारों की गाथा। भक्तजनों, एक बार दैत्य हिरण्याक्ष के आतंक से
सारी सृष्टि कांप रही थी। वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि धरती माता को बंदी बनाकर समुद्र के नीचे ले गया। तब सभी देवी देवता श्री हरि विष्णु की शरण में आए और उनकी प्रार्थना पर श्री हरि ने वराह अवतार धारण किया। उसी अवतार में प्रभु ने दैत्य हिरण्याक्ष का अंत किया और धरती माँ को अपने दांतों के मध्य फंसाकर बचा कर ले आए। तो बोलिए वराह अवतार की। अपने चौथे नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने दैत्य हिरण्यकश्यप का अंत किया और अपने परम भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था, न तो वो जल में मरेगा, न थल में, न पृथ्वी, न आकाश, न मनुष्य, न जानवर, न अस्त्र, न शस्त्र से। तो ऐसे में भगवान श्री हरि ने आधा नर और आधा सिंह बनकर नरसिंह अवतार लिया और अपने नाखूनों से दैत्य का सीना चीरकर उसका अंत किया। तो बोलिए नरसिंह अवतार की। वरा रूप धर के विष्णु ने हिरण्याक्ष को मारा था, पृथ्वी को दांतों में फंसाकर भवसागर से उतारा था। नरसिंह बनकर भक्त प्रहलाद के प्राण भी आपने रखे थे, आधा नर और आधा सिंह बन दैत्य राज को मारे थे। देवों ने दो हाथ उठाकर किया तेरा गुणगान है। इन अवतारों का वर्णन तो करते वेद पुराण है, करते वेद पुराण है। विष्णु अवतारों की गाथा पावन बड़ी महान है, इन अवतारों का वर्णन तो करते वेद पुराण है, करते वेद पुराण है। विष्णु अवतारों की गाथा। अपने पांचवें अवतार में श्री हरि ने वामन रूप धरा। यह भगवान का पहला मनुज अवतार था। दैत्यराज बलि अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु बहुत दानवीर भी था। श्री हरि वामन रूप धरकर उसके घर भिक्षा मांगने आए और तीन पग भूमि दान में मांगी। दैत्यराज ने तीन पग देने की हामी भर दी तो श्री हरि ने अपनी देह बढ़ाकर दो ही पगों में सारी सृष्टि नाप दी। तीसरा पग धरने हेतु दैत्यराज ने अपना शीश सन्मुख किया। श्री हरि ने उसके शीश पर पैर रखकर उसे पाताल भेजकर उसे भवसागर से पार कर दिया। तो बोलिए वराह अवतार की। भक्तजनों, श्री हरि ने छठा अवतार परशुराम रूप में धारण किया। ब्राह्मण होकर भी उन्होंने पृथ्वी की रक्षा हेतु अस्त्र शस्त्र धारण की और भगवान शिव का तप करके उन्होंने अमोघ वर्षा प्राप्त किया। इसी अमोघ वर्षे से उन्होंने सहस्त्र भाव के सारी भुजाएं काट कर अपने परिवार की हत्या का बदला लिया और इस पृथ्वी से पापियों का नाश किया। तो बोलिए परशुराम अवतार की। वामन रूप धार विष्णु जी बलि के सन्मुख आए थे, उसके शीश पे पांव धरा और लोक पताल पठाए थे। परशुराम बन अस्त्र शस्त्र को अपने हाथ उठाया था, पृथ्वी से पापी और पापों दोनों को ही मिटाया था। श्री हरि के अवतार ये सारे श्री हरि के अवतार ये सारे करते तो कल्याण है, इन अवतारों का वर्णन तो करते वेद पुराण है, करते वेद पुराण है। विष्णु अवतारों की गाथा पावन है।
बड़ी महान है। इन अवतारों का वर्णन तो करते वेद पुराण है, करते वेद पुराण है। विष्णु अवतारों की गाथा अपना सप्तम अवतार श्री हरि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में धारण किया। जब पापी रावण के आतंक से धरती माँ थर्रा रही थी, तब अयोध्या के महाराजा दशरथ के यहाँ श्री राम रूप में श्री हरि ने अवतार लिया और विभिन्न लीलाएं करते करते रावण का अंत कर पृथ्वी को पापों से मुक्त किया। तो बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। अपना आठवां अवतार भगवान श्री हरि विष्णु ने 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण के रूप में धारा और इस अवतार में पापी कंस का अंत करके धरती को पापों से मुक्त किया। कालांतर में वे महाभारत के महानायक बने और इस संसार को सत्य की राह दिखाते हुए गीता के उपदेश दिए। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की। राम रूप को धार हरि ने रावण का संहार किया, अंत किया पापी का भगवन सृष्टि का उद्धार किया। 16 कला संपूर्ण कृष्ण का आठवां अवतार लिया, पापी कंस का अंत किया और धरती का सब भार हरा। गीता का उपदेश सुनाया, हाँ गीता का उपदेश सुनाया, दिया अभय वरदान है। इन अवतारों का वर्णन तो करते वेद पुराण है, करते वेद पुराण है। विष्णु अवतारों की गाथा पावन बड़ी महान है, इन अवतारों का वर्णन तो करते वेद पुराण है, करते वेद पुराण है। विष्णु अवतारों की गाथा भगवान श्री हरि ने अपने नवम अवतार में महात्मा बुद्ध का रूप धारण किया। वो अपने सभी पिछले अवतारों से बिल्कुल भिन्न थे। बुद्ध अवतार में श्री हरि ने सृष्टि को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो बोलिए भगवान बुद्ध की। और भक्तजनों, अब इस घनघोर कलयुग से पापों तापों और संतापों को मिटाने के लिए, प्राणियों का उद्धार करने के लिए, पापियों का अंत करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु कल की रूप में शीघ्र ही अवतार धारण करेंगे। वेद पुराण कहते हैं भगवान का यह अवतार एक बार अस्त्र शस्त्र फिर से धारण करेगा और नीले घोड़े पर अवतरित होकर इस कलयुग के पाप ताप संतापों का समूल विनाश करेगा। तो बोलिए कल की भगवान की। बुद्ध रूप में आए विष्णु शांति का संदेश दिया, सत्य अहिंसा परम धर्म है बुद्ध ने ये उपदेश दिया। कलयुग के संताप मिटाने कल के रूप में आओगे, भक्त जनों को भवसागर से पार लगाने आओगे। दशावतारों की गाथाएं, दशावतारों की गाथाएं चंदन कर गुणगान है। इन अवतारों का वर्णन तो करते वेद पुराण है, करते वेद पुराण है। विष्णु अवतारों की गाथा पावन बड़ी महान है, इन अवतारों का वर्णन तो करते वेद पुराण है, करते वेद पुराण है।
विष्णु अवतारों की गाथा।